ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਵਿਚਾਰਾ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਨਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈ ਤਾਂ ਬੈਗ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਅਨਦਰ ਵਲੌਗ ਆਜ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਰੈਬਿਟ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਛੱਤ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਛੱਤ ਪੇ ਮਤਲਬ ਕੇਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਪਿੰਜਰੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਹਿਲਾਉਂ ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਵੈਸੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਤਨੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਭੀ ਇਤਨਾ ਨਹਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨਹਿਲਾਤੇ ਹੈ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਸਾਫ ਕਰਤੇ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਗੀ ਨਾ ਉੱਪਰ ਸੇ ਉਹ ਵੀ ਉਨਕੇ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕਦਮ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਗਰਮੀ ਕੇ ਮੌਸਮ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਜਬ ਫੁੱਲ ਗਰਮੀ ਹੋਤੀ ਨਹਾ ਕੇ ਕਸਮ ਬੰਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਸਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਹਮ ਆਪਣੇ ਰੈਬਿਟਸ ਕੋ ਨਹਿਲਾਏਂਗੇ ਚਲੋ ਨੇ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਖੀ ਬਾ ਜਾਓ ਇਸੇ ਸਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦਾ ਹਾਂ ਜਾਗ ਛੱਤ ਪੇ ਜੋ ਰੈਬਿਟ ਉਹਨੇ ਨਹਿਲਾਤੇ ਹਨ ਛੱਤ ਪੇ ਆ ਗਿਆ ਛੱਤ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹੋ ਪਿਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਛਾਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨੀਚੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਉੱਠੋ ਸਾਖੀ ਚਲੋ ਇਹਨੇ ਪਕੜਦੇ ਹਾਂ ਇਧਰ ਨਾ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੇ ਨਾ ਸਕੂਲ ਭੇਜਿਆ ਆਪ ਤਾਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ये देखो पानी पड़ा है इसे पानी को भी साफ करके ना मतलब ये पानी नीचे गिराते हैं और यहाँ ना पानी ताजा टैंकी से यहाँ भरते हैं फिर नहलाएंगे ये देखो कपड़ा मैंने भर दिया और ये रहे हमारे रैबिट नहलाते हैं हर एक एक को पकड़ के नहलाएंगे पढ़ लिया क्या दिन वही शक्ल खा गया दीदी हेलो काम तो नहीं किया फड़ी रखे साकी उथे खलो जाते इथों गर्दन दे कोल सची आ वेखी आ इथों छड्या इथों आना हैं कैसा लगा फिर मेरा मजाक देख रहा की कुची 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 डांस ते कराए दे कोल थोड़ा हेलो ओए इधरा ओए नहीं कम गई कम गई और चल ठंड लगन दी है इधर देख चीकू 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 इधर मुंह कर इधर मुंह कर ओ दे ना अपना हां चीकू 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 चू 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 ना ले आई बस बस नहीं आ गया मजा हो गया ठंडा हुन इन बाल काट दी है ना साथी सही है ना जेने अपनी अपने आप ने चंगी तरह साफ करेगा हुन जज्बाती ना हो यार भी एकदम ही भजेगा हाँ देखी भजेगा बेइज्जती साकर तेरी बेइज्जती हो गया नहीं खलो नहीं भजन दिया खलो मैं आप ही भजना इतना बैठेगा नहीं शर्म कर गर्दन फाड़े खरगोश भी फड़ दिंदा काम चक्कर की करने वाए बैठे होंगे इसकी हेल्प करता हूँ रैबिट पकड़ने में चलो साकी भाई नहलाओ इसे चल इसे नहलाओ ये मुर्गियां कहाँ आ गई साकी देखना मुर्गियां ना इसके काम चको कसम मारने पड़ता है दूसरों को जाओ ए जा चलो चल नहला इसे तो नहलाने भी नहीं आते होंगे चल साकी भाई जल्दी नहलाओ ये देखो इसे नहलाया नहीं जा रहा वाह भाई वाह ओए ऐसे नहीं ओए ओए ऐसे नहीं नहलाते हाँ ऐसे बिठाओ बिठा दो बस
गर्दन दबके जाने हाथ की तरह रुक गया। चल अच्छी तरह मलो ऊपर जो मट्टी है उतारो सारी। वो खुश हुआ। आजा। इसी तरह जो बाकी सारे रैबिट हैं इन्हें भी नहलाते हैं अच्छी तरह, और जो बाद में जो डक है ना उन्हें नहलाएंगे। फिर पहले ये सारे रैबिट नहला लें। हमारे जितने भी रैबिट थे ना हमने सबको नहला दिया, सारों ने नहा लिया भाई। अभी सिर्फ भाई एक ही रह गए हैं भाई, जो हमारी डक हैं ये रह गए हैं, इन्हें नहलाते हैं। अब साकिब आगे साइड से होगा। हम देखना फिर खुद ही जाएंगे पानी के अंदर। गए, दूसरा भी गया। ये लो अब देखो नहाते रहेंगे, ये खुद ही नहाते रहेंगे। देखना आप पानी के अंदर बैठे रहेंगे नहाते रहेंगे। नीचे तो ऐसे ना डुबकियां लगाते हैं नीचे, मतलब फिर ऊपर आ जाते हैं। आज डुबकी नहीं लगा रहे भाई। और जो हमारे रैबिट थे ना इनको हमने चारा भी डाल दिया। साकिब आ चलें फिर। चले चलो आ जाओ, अभी चल जाओ नीचे। नीचे जा सुकून से खुद भी कमरे में बैठ। अभी शाम का वक्त हो गया और ना अंकल की कॉल आई है। एक चंद दिन पहले ना हम एक अंकल को सप्लाई दे के आए थे, तो वो सप्लाई जिस अंकल को दे के आए थे ना उसकी कॉल आई है। आज वो कह रहा है भाई आके ना अपनी सप्लाई ले जाओ। मुझे याद भूल गया था, पता नहीं सप्लाई लेके आनी कि नहीं लेके आनी, कब की दी हुई है। दो तीन दिन हो गए हैं, तो आज कॉल आई है तो मुझे पता चला भाई वो उस दिन सप्लाई दे के आया था, वो लेके आनी थी। तो अभी चलते हैं जाके एक तो सप्लाई लेके आते हैं। शुक्र है अंकल ने बता दिया, नहीं तो पता नहीं हम लेके आते या ना आते, पता नहीं भूल ही जाते हैं। तो भाई उस अंकल का शुक्रिया, उसने बता दिया। तो अभी चलते हैं जाके सप्लाई लेके आते हैं। उसके अलावा बाइक का थोड़ा सा काम करवाने वाला है, वो करवाने हैं। और जो ना एक चीज़ और है वो है ये डिवाइस है, इस डिवाइस को ना अनलॉक करवाना है भाई, तो वो भी जा करवाते हैं शॉप से। चलते हैं भाई पीछे हटो यार। वैसे मैंने सोचा था अपने आकी भाई की बाइक लेके जाऊँगा, लेकिन सेट ये करवानी इसलिए ये लेके जानी पड़ रही है, मजबूरी बन रही है मेरी भाई। अभी इस शॉप पे आए, यहाँ से पहले तो हम अपनी बाइक ठीक करवाएंगे, उसके बाद जो डिवाइस है वो अनलॉक करवाएंगे। बाइक है जो हमने ठीक करवानी थी वो भी ठीक करवा ली है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो डिवाइस है वो अनलॉक होने के लिए दे दी है। जिस अंकल से अनलॉक करवानी है ना वो कह रहे हैं अभी नहीं मिलेगी, थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने कहा कि भाई थोड़ी देर बाद आके ले जाऊंगा घंटे तक, तो कह रहे हैं जो ठीक। जिस शॉप पे हमने सप्लाई पकड़ाई ना अब उस शॉप पे जा रहा हूँ, वहाँ से जाके ना सप्लाई ले आए अपने वाली। इस शॉप पे आ गए हैं जहाँ पे हमने ना अपनी सप्लाई पकड़ाई थी, तो अंकल से पता करते हैं। ये देखो भी सप्लाई हमारी बन के एकदम रेडी हो गई है। अंकल थोड़े से स्विच वगैरह रह गए हैं, वो लगा रहे हैं, बस लगाते हैं तो फिर लेके चलते हैं। अभी सप्लाई घर लेके आ गया हूँ और अभी लगा के देखता हूँ। ये देखो पंखा चल रहा है, कसम से बहुत ही ठंडी हवा आ रही है। मुझे कम से कम ये घंटा हो गया यहाँ लैपटॉप चला रहा हूँ, इस कमरे में बैठा हूँ, जो इसके सामने ठंडी हवा है ना, ना तो उस कूलर की है ना इस पंखे की है, ठंडी हवा है तो सिर्फ इसकी। इसके अलावा अभी ना शाम का वक्त हो गया, तो मैं सोचा जाके जो अपनी डिवाइस है वो भी ले आऊँ। चलते हैं फिर बाजार से जिस शॉप पे अपनी डिवाइस दी है ना वो लेके आते हैं। आ गया गिलानी कंप्यूटर वालों के पास, यहाँ मैंने अपनी ना डिवाइस अनलॉक होने के लिए दी हुई थी, तो यहाँ से लेते हैं फिर वापस। शॉप पे मैंने ये वाली डिवाइस है ये ले ली है, तो अभी फिलहाल चलते हैं घर। अभी घर वापस आ गया हूँ। और आकी भाई वालेकुम शुक्रिया, ये ले अपनी डिवाइस अनलॉक हो गई है, चेक कर ले खुद ही। चार्जिंग कर ले, चार्ज करना तुम्हारा काम है ना भाई। सिंपल है क्या सिम तुम अपन डालो भाई। आकी भाई कह रहे थे कि इनके पास आईफोन है ना, तो वो नॉन पीट है, वो फिर बाहर जाना हो तो फिर बहुत मसला बनता है, इसलिए स्पेशल डिवाइस इन्होंने मुझे कहा अनलॉक करवा के लाओ। अब ये डिवाइस अनलॉक हो गई है ना, तो पैकेजेस पे लगा लें या किसी भी सिम डाल, कोई भी सिम अनलॉक इसलिए करवाई मतलब कोई भी सिम चल जाएगी इस पर। तो बस ना अब कोई सिम डालते हैं फिर पैकेज लगाते हैं। अब जब भी बाहर जाना हो ना ये डिवाइस साथ ले जाएंगे, नेट चलाते रहेंगे, हमें सहूलत रहेगी है ना। और इसके अलावा ये जो मेरे दोस्त हैं ये ईद पे तो गए हुए थे वहाँ पे अपने गाँव, आ जाए हैं इतने दिनों बाद, काफी दिनों बाद आके बताऊं क्या कहते हैं। कहते हैं भाई ईद पे हम यहाँ नहीं थे, कुछ खाने पीने कहीं नहीं गए, तो हमें ना कुछ खिला पिला के लाओ। वाह भाई वाह, ये देखो बात क्या कर रहे हैं, आपको सब खिलाना चाहिए, आपकी ज्यादा ईद की इकट्ठी हो गई होगी। मैं तेरा मामू हूँ। ओ भाई कोई शर्म यहाँ कर, मैं नहीं मामू तेरा। तो अभी ना मैंने डिसाइड किया भाई हम सब ना बाहर कुछ खाने पीने चलते हैं। जल्दी चलते हैं। मैं कह रहा हूँ क्या बात है, तू नहीं हम, एक दो तीन बस HUM बस तीन। अच्छा चलो ठीक है, तो सब ना मतलब आकी भाई मैं और ये सारे दोस्त चलते हैं जाके ना बाहर से कुछ खा पी के आते हैं। आकी भाई को बोलते हैं, मनाते हैं इसे आकी भाई को। हाँ गरीबा ने खिला दिए, मुंह बना लिया। आकी भाई यार आ जाओ कुछ खाने पीने चले, यार काफी दिनों बाद ये भी आए हैं और मेरा भी दिल कर रहा है बाहर जाने का। यार
आ जाओ ना तुम भी हमारे साथ आओ। ओ भाई कुछ शर्म कर, मैं तेरा भरा वहां। मैं 1-5 ते बांग नहीं ओए, चाबी फाड़ इनको आपा 1-1 चाबी ते लगी हुई बस आपा 1-5 चल। चलो ठीक है, चलो ठीक है। यहाँ पे हैं, यहाँ से खाते हैं भाई शोर में। अब बैठो यार, लो भाई ये आ गए सारे शोर में। ये भाई ने ना अपने लिए बगैर मिर्ची के लिए ऑर्डर किया, बगैर मिर्ची के ऑर्डर किया। ये लो, वाह सदके पकड़ इधर भाई, खाते हैं आप फिर शोर में। अभी हम सब ने शोर में खा लिया, बस ये दो रह गया। कोई हेल्प चाहिए हो तो बताना। चलो ठीक है, घर जा रहे थे और आकिब भाई ना वो कहीं और निकल गए हैं। भाई कहाँ चले गए, कहीं काम कह रहे थे, मैंने काम जाने हैं तो वो अपने काम चले गए और हम घर जा रहे हैं। हम तीनों ही साकिब भी आकिब भाई के साथ ही है, हम चलते हैं घर। अभी घर वापस आ गए हैं, बस कौन से बैठते हैं और रात का टाइम हो गया, बस सोते हैं। और मुझे दें इजाज़त, यह था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।